फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी का खंड का यानी हिंदी गद्य साहित्य का विकास के टॉप 100 क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम्स में यहीं से बहुविकल्पी पूछ जाएगा। प्रश्न देखिए, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? राइट आंसर होगा राम प्रसाद निरंजनी। अगला नंबर देखिए, राय कृष्णदास गद्य साहित्य का किस युग के लेखक हैं? राइट आंसर होगा छायावादी युग। तीसरा नंबर है, अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? आंसर होगा नाभादास। चौथा नंबर प्रश्न है, साहित्य आलोचन गद्य की विधा है? राइट आंसर होगा आलोचना। अगला नंबर है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया? राइट आंसर होगा 1880 में। शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? राइट आंसर होगा भाषा की शक्ति। अशोक का फूल निबंध है, ललित निबंध से संबंधित है। अगला नंबर प्रश्न है, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? राइट आंसर होगा बलिदान। नौवां नंबर है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं? नंबर 9, इसका राइट आंसर होगा गोसाई विट्ठलनाथ। दसवां नंबर है, प्रेम सागर के लेखक हैं? राइट आंसर होगा लल्लू लाल। ग्यारहवा नंबर प्रश्न है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? राइट आंसर होगा जीवनी। बारहवा नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु। तेरहवा नंबर प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास किसका है? राइट आंसर होगा भड़ीश्वरनाथ रेणु का। चौदहवा नंबर प्रश्न है, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक? राइट आंसर होगा सरदार पूर्ण सिंह। पंद्रहवा नंबर है, भड़ीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? राइट आंसर होगा कहानी। सोलहवा नंबर प्रश्न है, राहुल शंकरात्यायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा क्या है? कहानी संग्रह है। सत्रहवा नंबर प्रश्न है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है? राइट आंसर होगा पगडंडियों का जमाना। अठारहवा नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य के हजार वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उन्नीसवा नंबर प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं? राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीसवा नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा की रचना किस विधा का है? तो जीवनी विधा की। अगर 21वां नंबर प्रश्न है, मातृभूमि के लेखक हैं? राइट आंसर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। 22वां नंबर प्रश्न है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं? राइट आंसर होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। 23वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है? राइट आंसर होगा मेरे विचार। 24वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है? राइट आंसर होगा बिल्लेश्वर बकरिया। 25वां नंबर प्रश्न है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। काशी नागरी परिचारिणी सभा के संस्थापक कौन है? राइट आंसर होगा श्याम सुंदर दास। 27वां नंबर प्रश्न है, द मैड मैन का पगला नाम किस हिंदी में अनुवाद किया गया है? राइट आंसर होगा राय कृष्णदास ने। 28वां नंबर प्रश्न है, आखिरी चट्टान रचना की विधा है? राइट आंसर होगा यात्रा विवरण। 29वां नंबर है, मेरी असफलता किस विधा की रचना है? राइट आंसर होगा आत्मकथा। 30वां नंबर प्रश्न है, चिंतामणि के रचनाकार? राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 21वां नंबर प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल हैं। 32वां नंबर प्रश्न है, डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है? अमरकांत हैं। 33वां नंबर प्रश्न है, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। 34वां नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 35वां नंबर प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? राइट आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र हैं। 36वां नंबर प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। 37वां नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? राइट आंसर होगा तितली। 38वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? आंसर होगा विचार प्रवाह। 39वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य की भूमिका। 40वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? राइट आंसर होगा धरती के फूल। 41वां नंबर प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है? राइट आंसर होगा माता भूमि। 42वां नंबर प्रश्न है, मर्यादा पत्रिका संपादन किया डॉक्टर संपूर्णानंद ने। 43वां नंबर प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? राइट आंसर है नागरी परिचारिणी सभा। 44वां नंबर है प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? राइट आंसर होगा निबंध। 45वां नंबर प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया? राइट आंसर होगा पृथ्वीपुत्र से। 46वां नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है? राइट आंसर होगा निबंध की। 45वां नंबर प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप तो पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। देखिए 47वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? राइट आंसर होगा कल्पलता। 48वां नंबर प्रश्न, राजा भोज का सपना के कथाकार हैं? राइट आंसर होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 49वां नंबर प्रश्न, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं? राइट आंसर होगा हरिशंकर प्रसाद।
सवा नंबर प्रश्न है, रानी खेत की कहानी के लेखक हैं। राइट आंसर होगा ईशान लखा। तो ये रहे हमारे फ्रेंड्स टॉप 50 प्रश्न। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 या 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन हम टॉप 10 और प्रश्न आगे भी बताएंगे। देखिए ध्यान से, गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। राइट आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। 52वां नंबर प्रश्न दिया गया है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति की रचनाकार कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज द राइट आंसर। 53वां नंबर प्रश्न है, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? राइट आंसर होगा आनंद कादम्बिनी का। 54वां नंबर प्रश्न, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं? राइट आंसर होगा राम कुमार वर्मा। 55वां नंबर प्रश्न, एक कबीर पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 56 नंबर प्रश्न, प्रगतिशील लेखक एवं संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ? राइट आंसर होगा सन 1936 में। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? राइट आंसर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। 58 नंबर प्रश्न, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? राइट आंसर होगा रिपोर्ट ताज की। 59 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। 60 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक हैं? राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड्स ऐसे हमारे वीडियो अगर पाने आए आपको और अपने आप को हिंदी में ही नहीं बल्कि हर विषय में टॉप करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल अवधेश ब्रांडेड क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें।